मेरे बेटे के क्लास में कोई बच्चा ना बेसन का चिल्ला लाया था, खाया लेकिन पेट नहीं भरा इसका, मतलब मन भी नहीं भरा। फिर ये ना जैसे ही घर आया, मतलब रास्ते में बोलता है मुझे, मम्मा बेसन का चिल्ला बना के खिलाओगी, मुझे भी टिफिन में तो होगी। मैंने चलो तुम्हें अभी बना के खिला देती हूँ। बस मैं घर पे आई हूँ, मैंने यार डब्बा खोला, देखा तो बेसन तो था ही नहीं। अभी मैंने तो उसको बोल दिया था। फिर मैंने क्या किया, लिया है आलू भुजिया, उसमें डाला है सूजी और मिक्सी में ना पानी डाल के तो फाइन पेस्ट बना लिया, जैसे मतलब बेसन का बैटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अब उसमें ज़्यादा मसाले तो मिलाने नहीं थे, तो मैंने लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट, धनिया और हल्दी और मतलब धनिया पाउडर वाली, ठीक है, हरी धनिया भी डाली, और सबको अच्छे से पेस्ट मतलब फेट करके 10 मिनट के लिए रख दिया। जब बनाना था इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा और मैंने नमक डाल दिया, नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ना आलू भुजिया में नमक था। बस को अच्छे से फेट लिया और तवे पे ना फैला लिया, अलट पलट कर इसको सेका, तो मैंने उसकी थाली और अपनी थाली दोनों की लगा ली। मैंने उसको बुलाया और खिलाया, इतना खुश हुआ कि क्या बताऊँ। तो वो हमने इसको धनिया की चटनी के साथ इंजॉय किया। अच्छा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो। बाय।